जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं तो ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है और इसमें काफ़ी सारी बीमारियां आती है। आज करीब करीब 1 करोड़ लोग, मतलब 10 मिलियन 1 करोड़ लोग हर साल हमारे देश में ये बीमारी से ग्रसित होते हैं हर साल। आप यूएस पॉपुलेशन देखें तो करीब करीब 68 लाख लोग पर ईयर, मतलब 3.1% ऑफ यूएस पॉपुलेशन, 3.1% ऑफ यूएस पॉपुलेशन ये बीमारी से ग्रसित है और उसमें से 43.2% लोग ही ट्रीटमेंट लेते हैं, 43% लोग ट्रीटमेंट लेते हैं सिर्फ। आज दुनिया में 4% लोग, 4% लोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर से ग्रसित है, 4%, कितना बड़ा आंकड़ा है। और एवरेज उम्र निकाली जाए तो उम्र है, एवरेज जो है वो 31 साल, 31 ईयर्स एवरेज उम्र चालू होने की बीमारी, और महिलाओं में यह प्रमाण पुरुषों से डबल है। सैड जो है, सैड एसीडी, सैड सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये 7.1% है पॉपुलेशन के। फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया जो होते हैं वो 9.1% है पॉपुलेशन के। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर 1.2% लोगों को होती है ये बीमारी। एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर 3.6% है पॉपुलेशन के, मतलब कितना बड़ा आंकड़ा है। और इसमें से करीब करीब आधे लोग तो इलाज करते ही नहीं है, वो साइकेट्रिस्ट तक पहुंचते ही नहीं है, वही वो इलाज करते तो। एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, मतलब आदमी को चिंता होना, बहुत फिक्र लगना, ये जो है ये तो सभी को लगता है, मतलब सभी को फिक्र लगती है, चिंता लगती है, मगर बहुत जब ज़्यादा हो जाता है कि नहीं अभी वो रहा नहीं जा रहा है, इसके लिए कंसल्ट करना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली उसको पहचानना और डॉक्टर के पास में जाना जरूरी है। अभी एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, मतलब इसमें एंग्जाइटी न्यूरोसिस है, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबिया भी इसमें आता है, पैनिक डिसऑर्डर्स भी आती है। तो इसके मोटा मोटा सब इसमें क्या लक्षण है आपको बता दूंगा। एक है कि बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, गुस्सा, बेचैनी, बेचैन होना, रेस्टलेस होना, घबराहट लगना, सब कुछ तो भी गड़बड़ है, कन्फ्यूज लगना, इधर से उधर, उधर से इधर जाना, रेस्टलेसली मूव करना। फिर काम में लक्ष्य एकाग्र नहीं होना, चित्त एकाग्र नहीं होना, क्योंकि कोई तो भी विचार चालू रहते हैं तो वही विचार इतने घूमते रहते कि फिर ख्याल नहीं रहता नहीं। और आप जब काम करें उसमें ख्याल ही आपका नहीं है तो होता क्या है, मेमोरी प्रॉब्लम्स आएंगे, याददाश्त नहीं है, फिर भुलक्कड़पना है, याद नहीं आ रहा है। नींद के प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं, जिसमें नींद लगती नहीं है, नींद लग गई तो बीच बीच में खुल जाएंगी, या फिर सुबह जल्दी नींद खुल जाएंगी और रिफ्रेशिंग नहीं रहेगी, बहुत सारे सपने आएंगे। बहुत लोग तो ऐसा बोलते हैं कि हम तो सोए नहीं है पिछले 1 महीने से, तो ऐसा तो हो सकता नहीं, उनको सपने इतने आते कि उनको लगता है कि अपन सोए नहीं है। फिर लोगों को भूख नहीं लगती इसमें, एंग्जाइटी में लोगों को भूख लगती नहीं है, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं एंग्जाइटी में, ज़्यादातर भूख लगती नहीं है तो फिर वजन कम हो जाता है। कुछ लोगों को पेट के प्रॉब्लम बहुत होते हैं कि भाई पेट फूल जाना, एसिडिटी होना, ऐसा पूरा ढक्कर आते जाना और पेट भरा हुआ लगना, बहुत ज़्यादा लैट्रिन को लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब को लगना, या लैट्रिन बंद हो जाना। फिर सबसे ज़्यादा जो सिम्टम लगता है, जो तकलीफ वाला होता है, वो है पाल्पिटेशन, धड़ 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 धड़, हार्ट जो है वो धड़कते रहता है, उससे बहुत घबराहट होती है, हाथ कांपते हैं, ऐसे थरथरात करेंगे, और पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, मुंह सूख जाता है, और फिर कभी कभी उलट जैसा भी होता है, बहुत ज़्यादा थकान आती है या कमजोरी लगती है, और चीज़ें अवॉइड करना चालू हो जाता है, अवॉइड करता हो टाल देना, क्योंकि वो ख्याल ही रहता नहीं है क्या कर रहा है, उसलिए फिर चलो नहीं होना भाई, घबराहट होती है। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है एगोरोफोबिया, मतलब फोबिक डिसऑर्डर जो उसमें कॉमन है एगोरोफोबिया, जिसमें बाहर जाने का डर है, मॉल में जाने का डर है, बाहर घूमने का डर है, रास्ता पार करने का डर है, तो ये बहुत डर होते हैं और उसके लिए इलाज करना पॉसिबल है, संभव है और करना चाहिए। दूसरा एक कॉमन है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में, मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर में, वो है पैनिक डिसऑर्डर। उसमें होता क्या है कि अचानक इतना ज़ोर से अटैक आता है, कहीं बाहर घूम रहे या कहीं मार्केट में, कहीं भी इतना ज़ोर से अटैक आता है, जो हो सकता है कि 5 मिनट से लेकर आधा घंटा 1 घंटा, कि जिसमें बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी, धड़कन, हाथ कांपना, पसीना आना, ऐसा लगता है कि बस अब मरने वाला है। वो आदमी दौड़ता है इधर उधर हॉस्पिटल की तरफ, कुछ लोग हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाते हैं कि भाई मेरे को अटैक आ गया, और वो पैनिक डिसऑर्डर जो उसका इलाज करना भी जरूरी है, क्योंकि वो इनकैपेसिटेट हो जाता है आदमी, मतलब जकड़ जाता है बेड को,
घर को, क्योंकि बाहर जाते ही नहीं वो डर के मारे। तो इसके सबके लिए एक तो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स है, SSRI काम में आते हैं, एंग्जियोलाइटिक्स है, हम हिप्नोथेरेपी करते हैं, हिप्नोटिज्म, जिससे वो फायदा होता है हिप्नोटिज्म से, हम उसको विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन करने के लिए बोलते हैं, और बार 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 हिप्नोथेरेपी देते हैं तो फायदा जरूर होता है, बहुत लोगों को ड्रास्टिकली फायदा हो चुका है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदे की है। ऐसे आपको सिम्टम्स हैं तो ऐसे सिम्टम्स एकदम अचानक बहुत ज़्यादा होते नहीं है, थोड़े थोड़े सिम्टम्स चालू हो जाते हैं, मगर हम थकाते रहते हैं, चलता है, मैं क्या पागल हो गया क्या, साइकेट्रिस्ट के तरफ क्यों जाना है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। थोड़े भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है, स्पेशली साइकेट्रिस्ट को। और ये लक्षण मेनली क्या होते हैं, मेन लक्षण कौन से है, एक तो क्या है, नींद नहीं, सबसे पहले जो अटैक हो जाता है ना कोई भी मानसिक बीमारी का, वो नींद के ऊपर, नींद नहीं आना, नींद अशांत लगना, घबराहट है, बेचैनी, अच्छा नहीं लगना, कभी निराशा आना, मूड चेंज होना बिना कारण, या छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा होना, छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन लगना, थकान आना बिना कारण। तो ऐसे सिम्टम दिखाई दे तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है। अब हमारे यहाँ कंसल्टेशन कर सकते हैं हमारे डॉक्टर्स नाम मात्र, सिर्फ 158 रुपये शुल्क के ऊपर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, उसके ऊपर आप क्लिक करके शुल्क भर सकते हैं। हमारे डॉक्टर आपको कॉल करेंगे, मेरे से बात करके वो आपको कंसल्टेशन देंगे और आपको दवाई भी मिल जाएंगे। हिप्नोथेरेपी अवेलेबल है, CBT अवेलेबल है, आप इससे अच्छा जीवन जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।